प्रयागराज मडौका क्षेत्र के लगन बिहार गेस्ट हाउस में त्रिवेणी संगम सेवा समिति के संयोजन में 15 सर्वजातीय जोड़ों का विवाह बड़े उत्साह एवं त्रिवेणी संगम सेवा समिति के संस्थापक दिनेश लाल यादव के नेतृत्व में सभी दूल्हों को बड़े जिम्मेदारी के साथ बारात दांडी से मडौका स्थित लगन बिहार गेस्ट हाउस में बारात को सभी नियमों एवं सम्मान पूर्वक प्रवेश कराया गया। अथवा स्टेज मंच पर सभी जोड़ों की दुल्हन का भव्य स्वागत किया गया एवं सभी रस्मों रिवाजों के साथ समाज के साथ जुड़कर जयमाला का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हवन यज्ञ मंत्रोच्चारण के साथ शादी संपन्न कराई गई। सभी जोड़ों का विदाई करते समय सामग्री भेंट द्वारा एवं दान अनुदान द्वारा आया उनको देकर विदाई कराई गई एवं त्रिवेणी संगम सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर सर्वजातीय शादी को अपनी जिम्मेदारी के साथ बहुत ही अच्छे से निभाया, जिसमें मात्र शक्तियों का बहुत बड़ा साथ रहा। सभी दुल्हन कन्याओं का विवाह संपन्न कराया। मौके पर सभी समिति के सम्माननीय सदस्यगण मौजूद रहे। त्रिवेणी संगम सेवा समिति द्वारा जो कन्या सामूहिक विवाह प्रोग्राम रखा गया, उसके बारे में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हर वर्ष की भांति इस बार भी तीसरी बार यानी सर्वजाति कन्या सामूहिक विवाह त्रिवेणी संगम सेवा समिति द्वारा आयोजित है। और इससे पहले भी 12 कन्याओं का 16 कन्याओं का विवाह हो चुका है और आज 12 अप्रैल 2024 को भी 15 सर्वजाति कन्या सामूहिक विवाह 15 जोड़ों का हो रहा है। और इसमें सब समाज से सहयोग और दान राशि लेकर ये कार्य किया जाता है। मैं त्रिवेणी संगम सेवा समिति परिवार के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ इस कार्य के लिए। और सबसे ज़्यादा सहयोग तो हमारे त्रिवेणी संगम सेवा समिति के सचिव दिनेश यादव जी का है कि जो हम सम्मान शक्तियों के इतना मान और सम्मान देते हैं। वाकई ये समिति से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ससुर जी का तो देश सेवा से लगाव रहा है और मेरा भी उसी तरह समाज सेवा से एक लगाव है। और मैं अपने आने वाली पीढ़ी से भी ये कहूँगी कि मतलब जब वो कुछ करने लगे तो वो भी देश और गांव समाज से जुड़ कर रहे। और ये प्रोग्राम कहाँ स्थित है और अपना पूरा परिचय दें? मेरा नाम प्रीति सोनकर है, मैं गंगोत्री नगर नैनी की निवासी हूँ और ये तारीख मनेवा मड़ौका रोड लगन विहार गेस्ट हाउस में संपन्न हो रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।